Alto. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारो, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी की धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है, दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे, ददरे मामा बिराजे जाहर वीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सु वीर गण्योड्या निभजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्ति री भूमि, शौर्य रो आगार, सर्व धर्म समभाव रो चुरू, विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने, वीर सपूता ने, ममता मई माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है
आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को, मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो
ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35 हजार करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के 1 लाख से भी अधिक फौजी परिवारों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। इसी भावना के साथ हम निरंतर पूरी ईमानदारी से देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। बाबा गोरखनाथ का तो इस भूमि से भी नाता रहा है। उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है।
क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की गई है इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए क्या? अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपया। और इसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना है। आपके फोन पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं, फिर बैंक में जाइए, एटीएम में जाइए, पैसे निकालिए और बीज, खाद, दवा जैसी अनेक जरूरतों को पूरा कीजिए। भाइयों बहनों, 1 फरवरी को जब संसद में इस योजना का ऐलान हमने किया था तो कई लोग कहने लगे थे कि ये हो ही नहीं पाएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन अब नामुमकिन मुमकिन है क्योंकि ये मोदी सरकार है। 25 दिन के भीतर भीतर किसानों के खातों में पहली किस्त पहुंचनी शुरू हो गई। साथियों, देश के किसान, देश के गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। लेकिन जब उनसे जुड़ी योजनाओं पर भी राजनीति की जाती है तो दुख होता है। इसका एक और उदाहरण आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत देश भर में 50 करोड़ गरीबों को
हर वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी तक देश में 13 लाख से अधिक गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिल चुका है, लेकिन इसमें भी इन 13 लाख लोगों में भी राजस्थान का एक भी भाई, एक भी बहन या एक भी बच्चा नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है? सारे देश को मिला क्योंकि यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना से जुड़ने के लिए भी गंभीरता नहीं दिखाई है। मेरा राजस्थान सरकार से ये भी आग्रह है कि जल्द से जल्द आयुष्मान योजना से जुड़कर यहां के गरीब परिवारों के जीवन को आसान बनाने का काम करे। साथियों, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। हम ऐसे लक्ष्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये बदला हुआ भारत नई रफ्तार के साथ काम कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 साल में ही गरीबों के लिए 1.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। स्थिति ये है कि अगर पुरानी गति से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दशक लग जाते और 3-3 पीढ़ी तक शायद पक्का घर रहने को नहीं मिलता। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख से अधिक घर गरीबों के बन चुके हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक ये हमारे चूरू जिले में ही बने हैं। साथियों, गरीबों को घर मिल ही रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा है। होम लोन के ब्याज पर छूट की योजना से मध्यम वर्ग के साथियों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत 20 वर्ष की अवधि में तय है। इतना ही नहीं, पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याज दर 10% से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9% है। साथियों, हाल में जीएसटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मकानों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5%, तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8% से घटा करके सिर्फ 1% किया गया, 1% नाम मात्र का। इससे मध्यम वर्ग के उन साथियों को लाभ तय है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदल गई है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से चूरू के विकास के लिए, आप सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
वसुंधरा जी की सरकार के समय ही यमुना का पानी चूरू के अनेक इलाकों तक पहुंचा और अगर यहां की सरकार ने गंभीरता दिखाई तो बाकी जगहों तक भी जल्द ही यमुना का पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। गांवों में सड़कों पर तेजी से काम किया गया है, वहीं नेशनल हाईवे का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। सिरसा से चुरू वाया नोहर, सहावा और तारानगर नेशनल हाईवे को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इसके अलावा अनेक नई ट्रेनें इस पूरे क्षेत्र में शुरू की गई है। यहां रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। जिन जगहों पर अभी भी रेल कनेक्टिविटी की संभावना है उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, पानी हो, गरीबों को अपना घर हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सुविधाओं से सामान्य मानवी को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से अधिक रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक चुरू की ही मेरी गरीब दलित वंचित माताओं बहनों को मिले हैं। देश के विकास में, देश के संसाधनों पर सबको समान अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। साथियों, गरीब का, किसान का, जवान का और नौजवान को सम्मान देने का प्रयास अगर संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे एक ही ताकत है। कौन सी? कौन सी ताकत है? ये सब संभव हो रहा है, कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? अरे मोदी की ताकत नहीं है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई है। आपका ही वोट है जिसने 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी, जिसका दम आज दुनिया देख रही है। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको जो जरूर दिख रहा है। अब आपका ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को जवाब देगा और आपका ही वोट मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती देगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर यहां भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का ऐसा अवसर है, पूरी ताकत से फिर से एक बार हो जाए, भारत माता की, पूरी ताकत से हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।